एवरीवन, आपका स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रसीले रस भरा सूजी के टेस्टी और बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। ये रेसिपी झटपट से बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रसेदार बन के तैयार होती है। देखिए इस तरह से कटिंग के बाद भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पाव दूध, उसको हम पैन में डाल के गर्म कर लेंगे। देखिए दूध अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल लेंगे एक कप सूजी। सूजी इतना ही ले जितना दूध अच्छे से सूख ले, इतना ही लेना चाहिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जब तक ये दूध पूरा सूख ना ले तब तक इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए दूध अच्छे से सूख गया है, इसको कंटिन्यू इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब गैस को कर देते हैं बंद और अब इसको हम थाली में निकाल के फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। देखिए फैला दी हूँ, अब हम ले लिए सेम पैन, उसी में साफ कर लिए हूँ पैन को। फिर इसमें हम डालेंगे नारियल का कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा, चाहे तो आप मार्केट वाला बुरादा ले सकते हैं या तो आप घर में भी कद्दूकस कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी आप ऑप्शनल है, नहीं भी डालें तो भी चलेगा, मैं डाली हूँ। फिर इसमें बंद करने के बाद ही गैस को बंद ही करेंगे, फिर थोड़ा सा घी डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करके इसको कटोरी में निकाल देंगे। फिर उसी पैन को ले लेंगे, उस पैन में हम डालेंगे चीनी। चीनी मैं 2 कप डाल रही हूँ। फिर इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे चाशनी के लिए। देखिए 2 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे इलायची, 3 से 4 इलायची। फिर मैं डाल रही हूँ बॉयल आ गया, तो इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मैं। फिर ये एक तार, मतलब तार नहीं, चिपचिपा टाइप का बन गया है चाशनी। गैस को बंद कर देंगे और इसको साइड में ठंडा होने रख देंगे। फिर देखेंगे, ये देखिए सूजी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको अच्छे से मसल लेंगे, फिर इसको डो के फॉर्म में ले आएंगे। अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। देखिए अच्छे से मसल रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से अच्छे से चिकना कर ली हूँ। अब हम इसको चिकना करने के बाद छोटे छोटे लोई लेंगे, फिर इस तरह से गोल बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए अच्छे से इस तरह से चपटा कर लेंगे ताकि इसमें फिलिंग भर सके। इसमें बीच में भरेंगे हम थोड़ी सी नारियल को, जो नारियल हमने तैयार किया था ना नारियल का बुरादा, उसको भर देंगे इस तरह से। फिर इसको अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको पैक कर देंगे ताकि निकले ना बाहर। इस तरह से करके इसको अच्छे से मुट्ठी बांध लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से अपनी मनपसंद के डिज़ाइन दे सकते हैं आप, चाहे तो इसको गोल या चौकोन बना सकते हैं। तो मैं इसको गोल नहीं बना रही हूँ, इसको मैं त्रिकोण बना रही हूँ। त्रिकोण नहीं, इस तरह से जैसे काजू कतली होता है ना, उस तरह से बना के तैयार कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। इस तरह से हाथ के उंगली के सहायता से दबाते हुए साइड साइड से लंबा करके इस तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं सभी को तैयार कर ली हूँ, सुंदर लग रहा है ना। इस तरह से बना के मेरा लगभग 8 से 10 बना है। फिर तेल गरम करने रखेंगे, उसमें हम एक एक करके डाल देंगे। देखिए मैं एक एक करके सभी को डाल दे रही हूँ। सभी को डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। फिर 3 से 4 मिनट बाद इसको पलट देंगे, उलट पलट करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए ये गोल्डन हो गया है। फिर इसको हम निकाल लेंगे, छारा की सहायता से निकालेंगे और ठंडी हुई चाशनी में गरम गरम इसको डाल देंगे। देखिए मैं सभी को डाल दे रही हूँ। फिर इसको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर देंगे, अच्छे से उलट पलट कर देंगे। उलट पलट करने के बाद इसको ढक्कन लगा के आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे, देखिए ये साइज में डबल हो गया है और इसमें अंदर तक बहुत ही रस भर गया है। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों इस तरह से। फिर इसको मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ गया है फूड कलर डालने की वजह से। फिर इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना अंदर से सॉफ्ट और रसीला बना है इस तरह से। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रसीला मिठाई बनके तैयार हो गया है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये सूजी से बना है, और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि अंदर से इसमें नारियल का स्वाद आता है, नारियल भरा हुआ है ना, इसीलिए। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना रसीला बनके तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला रेसिपी क्या।